Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this new video. In this video, we are going to discuss about the DGMS circular legislation number two of two thousand nineteen that is on women employment, that is equal employment opportunities for women in mines and exemption from the provisions of section forty six of the Mines Act nineteen fifty two. से तो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीजे सर्कुलर लेजिस्लेशन नंबर टू ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन जो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन को देना पड़ेगा और जो सेक्शन फोर्टी सिक्स है द माइंडीन फिफ्टी टू का उसका एग्जेपन है ठीक है तो ये सर्कुलर आने के बाद नाइनटीन फिफ्टी टू का जो सेक्शन फोर्टी सिक्स में जो दिया गया है उसके ऊपर ये हावी हो जाता है तो और इसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये सर्कुलर क्या बोलता है उसके बाद हम लोग उसी में से बात करेंगे कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से कौन सा कौन सा क्वेश्चन उसमें आ सकता है ठीक है तो फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ फ्रेंड्स इफ यू एंड टू कॉन्टेक्ट मी यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर एंड प्लीज़ लाइक माई फेसबुक पेज दैट इज़ माइनिंग मिरर दैट विल भी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड एक है वोमेन एम्प्लॉयमेंट सेकेंड है एग्जेम्पन फ्रॉम द सेक्शन फोर्टी सिक्स ऑफ द माइनसेक नाइनटीन फिफ्टी टू तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे लेकिन एग्जेपन जानने से पहले हम लोग पहले देखना पड़ेगा कि वो सेक्शन फोर्टी सिक्स ऑफ द माइनसेक नाइनटीन फिफ्टी टू क्या बोलता है ठीक है तो पहले उसके बारे में जानते हैं सेक्शन फोर्टी सिक्स बोलता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वूमेन तो यहाँ पे तीन पॉइंट है वन टू एंड थ्री और इसमें जो भी लिखा हुआ है और अभी जो हम लोग सर्कुलर के ऊपर बात करेंगे जो सर्कुलर नंबर टू टू थाउजेंड नाइनटीन का है वो इसको एक्जेम्ट करेगा मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको वो डोमिनेट कर देगा ठीक है तो इसमें क्या क्या है उसको पहले जान लेते हैं उसके बाद सर्कुलर की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा पहला चीज़ है कि नो वोमैन सल नॉट उथस्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ ए माइंड हुई इज बिलो ग्राउंड और इन एनी माइंड अबव ग्राउंड एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स ऑफ सिक्स ए एम टू सेवन पी ये जो ए ए मैंने लिखा है ना सेवन ए एम ये एक्चुअली मैं बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स में चेक कर चुका हूँ ये सब में यही लिखा हुआ है लेकिन मुझे लगता है ये एरर है ये होना चाहिए सेवन पी ठीक है तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई भी वोमेन अंडरग्राउंड में काम नहीं कर सकता ठीक है सेकेंड अगर अब, अब ग्राउंड में काम करते हैं तो वो इन बिटवीन सिक्स ए एम टू सेवन पी एम दैट इज़ सुबह का छः बजे ले शाम का सात बजे तक ठीक है अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि एवरी वोमेन एम्प्लॉयड इन अ माइन अब ग्राउंड सैल बी अलाउड आन इंटरवल ऑफ नॉट लेस देन इलेवन आवर्स ठीक है मतलब जो भी वुमेन अगर काम करता है माइंस में तो उसका जो जो काम करके वो घर जाता है जो टाइम उसका कंप्लीट होता है और उसके बाद नेक्स्ट डे में जाके फिर काम स्टार्ट होता है तो उसके बीच में ग्यारह घंटे का डिफ्रेंस होना चाहिए मतलब अगर सेवन पी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेवन पी के बाद छः सुबह का छः बजे तक कितना इंटरवल है ियसली 12 बजे का पांच घंटा और 12 से छह छह घंटा टोटल हो गया 11 घंटा तो टोटल 11 घंटे का इंटरवल यहाँ पे है थर्ड पॉइंट क्या बोलता है नॉट उडिंग एनिथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वेरी द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब ग्राउंड ऑफ वुमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी माइंड और क्लास ऑफ डिस्क्रेशन ऑफ माइंड सो हाउ एवर दैट नो एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी वुमेन बिटवीन द आवर्स टेन ए एम एंड फाइव ए एम इज मिस्टेक ये होगा टेन पी एम टू फाइव ए एम ठीक है लिए देखिए कि फाइव यहाँ पे है सिक्स ए एम से सात बजे तक अलाउड है ठीक है तो यहां पे बात होना चाहिए कि रात का टाइम जो टेन पी एम टू सुबह का 5 बजे तक ठीक है तो यहाँ पे ओवरली क्या बात हो रहा है कि तीन पॉइंट है, एक है कि कोई भी वोमेन अंडरग्राउंड में काम नहीं कर सकती सेकेंड है अगर ग्राउंड में काम करेंगे तो इन बिटवीन सुबह का छः बजे से लेकर शाम का सात बजे तक सेकेंड पॉइंट बोलता है अगर वोमेन एम्प्लॉयड है तो उसका जो काम कंप्लीट होता है और अगला दिन जो काम उसका फिर से शुरू होता है तो उसके बीच में ग्यारह घंटे का अंतर होना चाहिए थर्ड क्या बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन में ये दिया नहीं गया है पर मैंशन नहीं हुआ है कि कोई भी पर्सन या कोई भी वोमेन माइंस में रात का दस बजे से लेकर सुबह का पाँच बजे तक काम कर सकती है ठीक है तो जो अभी हो गया ये पॉइंट सेक्शन फोर्टी सिक्स के बारे में इसका एग्जिम्सन क्या होगा तो अगर यहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जामिशन क्या होगा कि अंडरग्राउंड में परमिशन मिलेगा अब ग्राउंड में परमिशन तो पहले से है कि सुबह का छह बजे से लेकर शाम का सात बजे तक लेकिन एग्जामिशन में क्या होगा कि रात को भी काम कर सकते हैं जो कि थर्ड पॉइंट है कि टेन पी एम टू फाइव ए एम तो वो वाला भी परमिशन मिल जाएगा ठीक है तो अब बात करेंगे कि इसका एग्जामिशन प्रोस्पेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है पहला क्वेश्चन कि व्हाट डज सेक्शन 46 ऑफ द माइनस एक्ट नाइनटीन रिलेट सेक्शन फोर्टी सिक्स क्या बोलता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन ठीक है क्वेश्चन नंबर टू आज पर दाइन्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू वोमेन कैन वर्क इन अंडरग्राउंड माइंड ट्रू और फॉल्स नाइनटीन फिफ्टी टू के अनुसार अंडरग्राउंड में वोमेन काम कर सकता है सही है कि गलत है ऑब्वियसली फॉल्स थर्ड व्हाट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग हुईच ए वोमेन कैन वर्क इन द अबव ग्राउंड वर्किंग्स अबव ग्राउंड में कितना से कितना बजे तक वोमेन काम कर सकता है शुड बी सुबह का छह बजे से शाम का बजे तक क्वेश्चन नंबर फोर शुड बी द इंटरवल बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन वो होगा इलेवन आवर्स ग्यारह घंटे का इंटरवल होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द इंटरवल इन हुई वुमेन आर नॉट परमिटेड टू वर्क इन एनी माइंस कौन सा टाइम में वुमेन को माइंस में काम करने परमिशन नहीं है वो होगा रात का दस बजे से लेकर सुबह का पांच टेन पी एम टू फाइव ए एम ओके तो अब चलते हैं जो हम लोग का मेन चीज है इस वीडियो में वो है द सर्कुलर तो फ्रेंड्स ये हो गया सर्कुलर जो डीजेएमएस का है तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सही तरह से हम लोग बात करेंगे छोटा छोटा चीज को लेके जो एग्जामिनेशन में आ, आ सकता है पहला एक क्वेश्चन आता है जो बार बार रिपीट होता है डीजेएमएस कौन सा मिनिस्ट्री में आता है देखिए आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो ये सर्कुलर पब्लिस हुआ था ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड नाइनटीन में लेकिन जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था वो आया था ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन में ठीक है बहुत छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल है और यहां पे देखिए जो सर्कुलर निकला है वो किसको जाता है टू ऑल ओनर एजेंट्स एंड मैनेजर ऑफ द माइंस ठीक है अब चलते हैं जो गैजेट नोटिफिकेशन बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पे क्वेश्चन है कि जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसका नंबर कितना है देखिए, पे थ्री e इसको याद रखना पड़ेगा सब्जेक्ट वही है प्रोविजन 46 सिक्स ऑफ दाइन सेक्ट नाइनटीन फिफ्टी कौन सा पार्ट और कौन सा सेक्शन अगर हो सकता है तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं पार्ट टू ऑफ सेक्शन थ्री सबसेक्शन टू ओके डेट ऑफ पब्लिकेशन बात किए ट्वेंटी जनवरी टू थाउज नाइनटीन अब ये, के, ये जो नोटिफिकेशन निकला है वो क्या बोलना चाह रहा है देखिए यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं द ओनर और माइन मैनेजमेंट सेल्फ फ्रेम ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट इज एस ओपी फॉर अडोप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वूमेन इन अंडरग्राउंड माइनस एंड बिटवीन सेवन पी एम टू सिक्स ए एम इन अबव ग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइंड बेस्ड ऑन अनेक्स्ट गाइडलाइंस तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ओनर और माइंस मैनेजमेंट है वो एक एस रेडी करेगा जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है अगर ओमर ने हम लोग अंडरग्राउंड में काम करते हैं तो उसका एस क्या होना चाहिए एंड अगर अब ग्राउंड और ओपन कस्ट में काम करते हैं वो भी शाम का सात बजे से लेकर सुबह का छः बजे तक उस तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा तो उसके लिए वो गाइडलाइन तैयार करके दिया है ठीक है तो अब बात करेंगे

उसको याद रखना पड़ेगा जनवरी में हुआ था व्हाट डज दिस गैजेट नोटिफिकेशन से ये गैजेट नोटिफिकेशन क्या बोलता है ये गैजेट नोटिफिकेशन बोलता है कि जो ओनर है और जो माइंस मैनेजमेंट है वो लोग एक क्या करेंगे कि एस रेडी करेंगे अगर, अगर अंडरग्राउंड में कैसे वुमेन काम करेंगे और अगर अब, अब, अब ग्राउंड और ओपन कास्ट में काम कर रहे हैं तो शाम को सात बजे से लेकर सुबह का छह बजे तक अगर काम करते हैं तो उसका एस क्या होगा ठीक है ये पर्टिकुलरली एस के बारे में बोल रहा है तो अब बात कर लेते हैं गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट टू सेक्शन थ्री सेक्शन टू ठीक है जो गवर्नमेंट का है वो क्या बोलता है देखिए एसओ फाइव जीरो सिक्स ई जो नोटिफिकेशन इसी के ऊपर निकला था वोमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए उसी का ही ये नोटिफिकेशन है ये बोलता है कि ये नोटिफिकेशन एग्जम्पन है जो सेक्शन फोर्टी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी टू का और यहाँ पे दो कंडीशन दिया है ए और बी ए में क्या लिखा है इन केस ऑफ वोमेन एम्प्लॉयड इन एनी माइन अबव ग्राउंड अबव ग्राउंड के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि द ओनर ऑफ ए माइन में डिप्लॉय ओमेन बिटवीन द आवर्स ऑफ सेवन पी एम एंड सिक्स ए एम इन द माइन अबव ग्राउंड इंक्लूडिंग ओपन कास्ट वर्किंग ठीक है मतलब ओपन कास्ट वर्किंग और अबव ग्राउंड में शाम को सात बजे से लेके सुबह का छः बजे तक भी वोमेन को डिप्लॉय कर सकते हैं ड्यूटी में सेकेंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ वोमेन शल बी आफ्टर ऑप्टेनिंग द रिटर्न कंसेंट ऑफ द कंसन वोमेन एम्प्लॉय वो डिप्लॉयमेंट हो सकता है रात को अगर मतलब मतलब उनको नाइट शिफ्ट दिया जा सकता है लेकिन उनसे पहले उनको वोमेन जो काम करेंगे उसका कंसेंट लेना पड़ेगा थर्ड द और बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट फैसिलिटीज एंड सेफ गार्ड्स रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी एंड हेल्थ ऑब्वियसली जो ओमेन लोग काम करेंगे रात को वहाँ पर तो उसको सही फैसिलिटी देना पड़ेगा सेफ गार्डिंग देना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह से वहाँ पर सेफली काम कर पाए और मेंटली वो कूल cool होकर काम कर पाए उनका सिक्योरिटी और हेल्थ के लिए भी सारा प्रोटेक्शन वहां पर दिया जाएगा फोर्थ द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन वुमेन्स बी सब्जेक्ट टू द फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस इशूड इन द रिगार्ड चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस फ्राम टाइम टू टाइम तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है जो ओनर बना के चीफ इंस्पेक्टर माइंस को डिपोजिट करता है तो चीफ इंस्पेक्टर माइंस का गाइडलाइंस के हिसाब से टॉपिक को फॉलो करते हुए वुमेन का डेवलपमेंट होगा द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन वोमेन्स बी इन ग्रुप नॉट लेस देन थ्री इन ए शिफ्ट अगर वोमेन वहाँ पे कोई शिफ्ट में जाते हैं उनको एंगेज हम लोग करते हैं तो उनका एक ग्रुप रहेगा तो वो ग्रुप रहेगा अगर काम करने जाएंगे तो मिनिमम थ्री पर्सन होना चाहिए थ्री वोमेन इन ए ग्रुप ठीक है अब बात करते हैं अंडरग्राउंड के बारे में अगर अंडरग्राउंड में वोन एम्प्लॉयड है तो उसमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा एक है द ओनर ऑफ ए माइंड मे डिप्लॉय वोमन बिटवीन द आवर्स सिक्स ए एम एंड सेवन पी एम इन टेक्निकल सुपरवाइजर एंड मैनेजर वर्क वर कंटिन्यूस प्रेजेंस मे नॉट बी रिक्वायर्ड मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि बिलो ग्राउंड में आपको नाइट शिफ्ट नहीं देना है मतलब आफ्टर सेवन पी आप उनको डिप्लॉय नहीं कर सकते ओमेन को आप सुबह का छः बजे से ले शाम का सात बजे तक उनको डिप्लॉय कर सकते हैं अगर उनको एंगेज करिएगा वहाँ पर उस उस एरिया में देगा जहाँ पे टेक्निकल हो सुपरवाइजरी हो या मैनेजरल वर्क हो लेकिन जहाँ पे आ, उनको प्रेजेंस हमेशा जरूरत नहीं पड़ रहा हो उसी टाइप का एरिया काम उनको देना है सेकेंड है सेम है कि ये डिप्लॉयमेंट करने से पहले आपको उनका कंसर्न लेना पड़ेगा नेक्स्ट क्या है कि वोमेन जो डिप्लॉय आप करेंगे वहाँ पे अच्छा एडिक्वेट उनका फैसिलिटीज देना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह से काम कर पाए उनका हेल्थ और सिक्योरिटी और सेफ्टी उनका बना रहे फोर्थ क्या है जो डिप्लॉयमेंट जैसे चीफ इंस्पेक्टर माइंस को आज पर एस ओ आज पर एस आपको उनको काम देना है और चीफ इंस्पेक्टर का जो गाइडलाइंस बीच बीच में आते हैं उन्हीं के हिसाब से उसको सारा फैसिलिटीज देना पड़ेगा और लास्टली क्या है द डिप्लॉयमेंट ऑफ ए वोमेन्ल बी इन ग्रुप नॉट लेस दैन थ्री इसमें भी जो आप एम्प्लॉयमेंट देंगे वोमेन को उनका मिनिमम तीन वोमेन एक ग्रुप में होना चाहिए ताकि लोग ग्रुपली काम कर सके और उनको थोड़ा सा अच्छा फील हो और उनको सिक्योर भी फील हो ठीक है तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसीलिए मैं दो पार्ट में कर लेता हूँ इसको ये वीडियो में हम लोग इतना ही बात किए जो उसका गेजेट नोटिफिकेशन है और उसका जो क्या उसका मेन मोटिव है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो उसका एस ओ पी गाइडलाइंस है ठीक है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो